हाय गाइस, आप देख रहे हैं रोस्टेड रीप्लेस और आज हम आ गए हैं 90s की आर्ग्यूएबली सबसे बड़ी बवासीर लेकर। इस फिल्म में डायरेक्टर ने इतना संस्कार हगा है कि 90s की सारी नस्लें आज तक अपने माँ बाप के एक्सपेक्टेशंस के प्रेशर से पीड़ित हैं। यू गेस्ड इट राइट, ये फिल्म है बोरियत की ऑर्जी। हम 60 60 हैं, क्योंकि ना इनकी सोच 60 साल के लोगों से कम है और ना एक टाइम पे इस फ्रेम में 60 से कम लोग। ब्रॉट टू यू बाय द संस्कारी प्रोडक्शन हाउस दैट गेव अस कैरेक्टर्स लाइक वेल प्रेम। देखो प्रेम, प्रेम के जूते दे, पैसे ले प्रेम। राजकुमारी, नाक नहीं पसंद, नाक कटवा दें आपके लिए प्रेम। तो मैं तो सिर्फ देता हूँ, तुम तो लेते हो जबरदस्ती। एंड डायलॉग्स लाइक कम्स अनदर फिल्म जहां हम देखते हैं कि भाई एक घर में अगर तुम्हारे कमरे में ऑल द टाइम 4 से कम लोग नहीं हैं तो बच्चा पैदा करने के लिए घर छोड़ना पड़ेगा। और इस फिल्म में संस्कार किस तरीके से डाला गया है उसका हेड्स अप देने के लिए ये सुनो। तुमने औरत को समझा नहीं भैया, वो अंधेरों से नहीं डरती। जब वो फैसला कर लेती है तो मन में विश्वास का दिया जलाकर उसे अपनी मांग का सिंदूर बना लेती है। फिल्म शुरू होने से पहले एक चीज तुम्हें और जान लेनी पड़ेगी कि इस फिल्म की क्रोनोलॉजी कुछ ऐसी है कि तुम कंफ्यूज हो सकते हो। फिल्म स्टार्ट होती है 25वीं सालगिरह से, जिसके बाद आती है शादी, उसके बाद आती है सगाई, फिर हनीमून, फिर उसके बाद आती है सगाई, फिर हनीमून, फिर एक सगाई, फिर एक शादी। भाई रोज सुन लो, मुझे खुद नहीं पता इस फिल्म में बैच चल क्या रहा है। तो ये है इस फिल्म का इंट्रोडक्टरी सीन जहां हम देखते हैं ये कमरा। ये 25 साल के तीन लड़कों का कमरा है और ये तीनों साथ में सोते हैं। हाय, व्हाट द फक इज दिस? अपने कमरे में अपनी इतनी सारी ऐसी फोटोग्राफ्स कौन लगाता है? और बहन चोद, कौन सा 25 साल का आदमी ऐसी अलार्म क्लॉक से उठता है यार? You are so dumb that when you first saw a dildo, you went looking for the plastic man it fell off from. मतलब प्रिविलेज की लिटरली डेफिनेशन है ये बंदा। ना EMI की टेंशन, ना नौकरी ढूंढने की। ये लड़का सुबह सुबह अपनी रियल लाइफ साली के सपने देख कर उठता है। ये है इस घर का सबसे छोटा चिराग विनोद। wow, wow. और इसकी मेंटल एज एक टॉडलर से कोई ज्यादा बड़ी नहीं है। थैंक यू भैया, बहुत अच्छा विवेक, तेरी शेयर की वजह से बिगड़ता जा रहा है। अरे कहाँ जा रहे हैं आप, बैठिए ना। मुझसे चल भाभी के पैर छू। अरे मामा जी, हमारी ट्यूनिंग अलग है भाभी। कमर अकड़ गई। चल हट जा बे बाज, क्या डेंजर आदमी है। ऑनेस्टली एक खाली लड़का है जो बहुत ही वियर्ड और क्रीपी है। एंड आई लव दैट। और ये सुबह 8 बजे उठता है, जो उसके घर में काफी लेट माना जाता है, और पहुंचता है अपने माँ बाप और बड़े भैया के पास जो कर रहे हैं पूजा। माँ बाप से हम मिलते हैं थोड़ी देर में, पहले मिलेंगे इसके बड़े भैया विवेक से, हु इज द लिटरल डेफिनेशन ऑफ ऑल ऑफ अस ड्यूरिंग आवर अप्रेजल मंथ। हमें कोई हक नहीं कि हम किसी की जिंदगी से खेलें। मतलब इतनी शराफत किसी की शक्ल से टपके तो जरूर कुछ तो झोल है। एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं होते, ये तो एक पर्दा है। पर्दा कप कपाती रातों में धड़कते हुए दिलों की भड़कती हुई आग को बुझाने का। भाई साहब का राइट हैंड काम नहीं करता है, वो कांपता रहता है पता नहीं क्यों। समझ रहे हो ना? Detrimental side effects of excessive masturbation during teenage and pre-adolescent years. इनका हाथ पूरी फिल्म में जेब में ही रहता है, भाई साहब की पॉकेट में रॉकेट है। एक सेकंड, ये रॉकेट बड़ा छोटा है। एंड वहीं हम मिलते हैं इस कपल से जिसकी आज वेडिंग एनिवर्सरी भी है, और हम कॉर्डियली कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे आलोक नाथ को जिन्होंने हम आपके हैं कौन में अपनी समधन पे लाइन मार के प्रूव कर दिया कि समधन से संभोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऐसी दो चूतिया औलादें पैदा हो जाती हैं। और हम दो औलादें मोनीश बहल और सैफ अली खान की बात नहीं कर रहे, क्योंकि मोनीश बहल रीमा लागू के सौतेले बेटे हैं, वो हमें फिल्म में आगे को देखने को भी मिलेगा। बट हम बात कर रहे हैं सैफ और सलमान की। वैसे इनकी एक बेटी भी है, पर बेटियां इस फिल्म में कितनी इंपॉर्टेंट है वो आप आगे आके देखोगे। तो अभी बढ़ते हैं आगे और मिलते हैं इनकी एक्सटेंडेड फैमिली से, एंड वी सी अ लॉट ऑफ पीपल एंटर। मतलब ये सारे इनकी एनिवर्सरी के चक्कर में अपने काम धंधे छोड़ के आ गए हैं। ये आदमी एक फूड चेन का मालिक है, ये आदमी की अपनी कपड़ों की दुकान है, और ये आदमी एक वकील है। आज छुट्टी, आज हमने कोर्ट से छुट्टी ले रखी है। एंड देन एंटर द वर्स्ट थिंग्स दैट आर आउट देयर।
मतलब इन बच्चों को अगर इस फिल्म की जगह कॉन्डम की एड के लिए यूज किया जाता क्या स्काई रॉकेट होती उस कंपनी की सेल्स। ये है इनकी वो बहन जिनकी मैंने पहले बात करी थी, आप इसको इंट्रो के सीन में सुन चुके हो। घर की प्रिंसेस है, अपने जेठ और जेठानी के बच्चों को लेकर घूमती है बिकॉज परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन। मैंने क्या गलती की भाईजान? एक्टिंग करने की गलती की है तूने साली पागल। चलो दोस्तों कहानी को आगे लेकर बढ़ते हैं क्योंकि अभी सिर्फ 10 मिनट का रोस्ट हुआ है और मेरे दिमाग की नसें फट गई हैं। और इस फिल्म के डायलॉग्स भाई जिसने भी लिखे हैं मेरा सलाम है उस आदमी को यार, क्योंकि औरत तो डेफिनेटली हो नहीं सकती। क्यों? डायलॉग सुन के देख लो एक बार। जहाँ घर की लेडीज और बच्चियाँ हमें अपने हाथों से प्यार से खाना खिलाएं वही घर घर है। ये! एक बार प्रीति से पूछा था क्या वो खुश है? क्या हुआ? सॉरी ये डॉक्टर्स हाउसवाइफ कैसी प्रूव होती है ये मेरी गारंटी नहीं। आप भी चलेंगी प्रीति भाभी? इवन डॉक्टर्स आर एलिजिबल फॉर हॉलीडेज। क्यों प्रेम भैया, कम से कम यस तो कह दीजिए। यस यस। कैजुअल सेक्सिज्म, पेट्रियार्की, मिसोजिनी, बिल्कुल 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 सर, ये सब डालेंगे तभी तो एक बढ़िया फैमिली फिल्म बनेगी ना, क्योंकि फैमिली में औरतों के तो कुछ राइट्स होते नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। फैमिली में औरतों की कोई डिमांड्स तो होती नहीं है। ये मेरी गारंटी नहीं। बेटियां तो हमें अपने हाथों से प्यार से खाना खिलाएं वही घर घर है। एनीवे यार ये सब चुतियापा चलता रहता है पर वहीं फिर एंट्री होती है प्रेम की। और प्रेम अपने ही घर में एक अलग नेता है, माँ बाप से लेकर घर का जबरदस्ती बना हुआ बेटा प्रेम। प्रेम भैया आ गए। इस फिल्म में प्रेम को ऐसे पूज रहा है जैसे पता नहीं कोई देवता आ गया। कभी कभी लगता है कि अपुन ही भगवान है। और साले तू लोगों को देख के बात क्यों नहीं करता है उनसे? थैंक यू मम्मी। जिद्दी भी तो सबसे ज्यादा यही था, कम से कम यस तो कह दीजिए। यस। फिर फाइनली शाम को होती है इनकी एनिवर्सरी की पार्टी जहाँ हम मिलते हैं तबू से जो इनके घर की आखिरी बहू होगी, मतलब पहली बहू होगी बट हमसे इंट्रोड्यूस लास्ट में हो रही है। एंड ये है इस फिल्म की पहली रियलिस्टिक चीज। हेलो The exact amount of interest that kids have while going to parties with their parents. What the fuck? और भाई फिर आता है वो गाना जिसने आज तक मुझे ढंग से सोने नहीं दिया है। ये तो सच है कि भगवान है। ये भाई कर क्या रहे हैं यार इस गाने में? इलेक्ट्रिक गिटार की सेल्स बंद कराने की इस आदमी ने मेरे ख्याल से कसम खा रखी है। I love you! ओ जाने जाना में इलेक्ट्रिक गिटार को सड़कों पे लेके घूम रहा है बिना किसी कॉर्ड के। और इस गाने में जिसमें लिटरली कड़छी चम्मच बजा के भजन का म्यूजिक यूज किया है, सर गिटार लेके खड़े हुए हैं। एनिवर्सरी खत्म हो जाती है और अगली सुबह हम देखते हैं कि कल जो पहली बार इस घर में आए हैं आज उनका रिश्ता भी आ गया है। लो आ गए। और ये सारे कार्टून अभी भी यहीं खड़े हैं। मतलब घर जाओ यार अपने, हो गई पार्टी, तुम कब तक किसी के घर में ऐसे पड़े रहते हो? अबे लौड़े अपना काम कर। और ये अपनी तरफ से शादी के लिए हाँ कर रहे हैं किसी और की बेटे की। आदर्श बाबू रिश्ता पक्का। बट एनीवेज वे इस तरीके से रिश्ता हो जाता है पक्का एंड मोनीश बहल की होने वाली होती है शादी। Oh shit, not good. अब सब चल ही रहा है तो मैं आपको तीन पार्प ऑफ गर्ल्स से भी मिलवाना चाहूंगा जिनकी शक्ल देख के ही तुम्हें पता चल जाएगा कि ये जो मंथरा टाइप कैरेक्टर्स हैं इनका काम कान भरने का है और विलन बनने का है इस फिल्म में। जब सगा सगे के साथ ऐसा कर सकता है मोमो तो ये मत भूलो विवेक तो सौतेला है। शांति, जो सच है तुम उसे झुठला नहीं सकती। ममता ये अच्छी तितलियां पाल रखी है आपने। और बस फिर क्या, शादी होती है पर शादी से ज्यादा इंटरेस्टिंग है शादी के बाद की ओरिएंटेशन। लिटरली इनके घर के सारे, ये आदमी लॉयर है या एचआर है पहले मेरे को ये बताओ, साले ने लिटरली पूरा एक डांस प्रिपेयर किया है। तुम इनसे मिलो जी, घर के मुखिया तुम्हारे ससुर जी। जहाँ पे ये इस घर के एक फुद्दू लड़के को नचा रहा है ताकि नई नवेली बहू आके सारे घर वालों से वाकिफ हो जाए। भाई डर के भग जाएगी लड़की, उसको प्लीज अकेला छोड़ दो यार, उसको जाने दो पति के साथ। मैनफोर्स चॉकलेट फ्लेवर कंडोम देना। तुम्हें पता है हमारी पूरी जनरेशन हाई स्कूल म्यूजिकल कैसे बर्दाश्त कर पाई? क्योंकि उससे पहले हम ये बकचोदी का म्यूजिकल देख चुके थे। फिल्म में अथा में गाने हैं भगवान है नचते हैं देखो कैसे बड़े भैया पहले दुल्हन तुम इनसे मिलो ए बी सी डी ई एफ जी एच विदाउट एनी रीजन। और मतलब समझ नहीं आता यार फिल्म है या किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का ब्रोशर, मतलब दुशासन बना के रख दिया यार लड़के को तुमने यहाँ। मारो का खोपड़ी तोड़ साले का। मेरे से हो नहीं पाएगा इसके बाद, प्लीज
सुहागरात के सीन पे आओ यार। मैंने इसकी डिमांड क्यों करी? इस सुहागरात के कमरे में इतने लोग हैं जितनी लॉकडाउन वेडिंग्स में अलाउड नहीं है। प्लीज उन्हें अकेला छोड़ दो यार, मतलब हद हो गई है उनको। प्लीज तुम हनीमून पे चले जाओ। कहाँ जाओगे हनीमून पे? रामपुर चले। सब साथ साथ जाएंगे यार। अब आगे क्या बोलूँ ना, मुझे कुछ समझ आ नहीं रहा है क्योंकि इस फिल्म में भैंचोद परिवार समेत हनीमून पे जाते, उसको ट्रिप कहते हैं यार, वैष्णो देवी चले जाते। मेरे को सेक्स करना था यार। अगली किसी फॉरेन कंट्री में अपने बाप के साथ रहती थी यार अकेली ब्लडी, शी इज अ डॉक्टर, तुम उसको क्या ट्रीट कर रहे हो यार, बिल्कुल ही एक खिलौना बना के रख दिया है। जय माता दी। इसके बाद ये लोग जाते हैं हनीमून पे, जहाँ हमें सुनने को मिलता है ये गाना। भाई तू आगे देख के गाड़ी चला लिया कर। ये हमारी कार है और ये हमें और हमारी पार्टी हो रही है। अब गांव जाने के बाद क्या होता है, हनीमून पे क्या होता है एंड फिल्म आगे कैसे बढ़ती है, वो कहानी हम करेंगे अगले पार्ट में, क्योंकि मेरा दिमाग खत्म हो गया है और इतना संस्कार भर दिया है ना, मतलब ये संस्कार है भी नहीं जो इन्होंने भरा है। मतलब एक्टर्स खुद इतना पक गए थे इस फिल्म के फेक संस्कार से कि कहीं देवता ना बन जाएं, उसके लिए इन्होंने कहा चलो शिकार कराते हैं। और यही वो फिल्म है जिसके बाद से ब्लैक बक का केस चल रहा है। भाई तू अगर ऐसे पैर रख के गाड़ी चलाएगा तो ब्रेक कैसे लगेगी फिर? जय माता दी।